मारवाड़ी महिला सेवा समिति द्वारा एक निजी रेस्टोरेंट में सावन में कन्हैया के झूला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम उत्सव सावन में कन्हैया के झूला उत्सव के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया और संस्था की सखियों द्वारा कन्हैया को झूला झुलाया गया एवं भजन कजरी प्रस्तुति की गई, जिसके संबंध में मारवाड़ी महिला समिति के संयोजिका रेणु कंदोई ने बताया कि सावन में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए अपने सया पर सोने के लिए चले जाते हैं, तो सृष्टि की जिम्मेदारी अलग अलग भगवान के ऊपर आ जाती है। सावन की जिम्मेदारी पूरे भगवान शिव के ऊपर आ जाती है। पूरा सावन महीना भगवान शिव की आराधना का है। उन्होंने बताया कि जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं भगवान शिव की आराधना करते हैं। वही नीलम वाशनेवाल ने बताया कि संस्था की सखियों द्वारा कन्हैया को झूला झुलाया गया एवं भजन कजरी प्रस्तुत की गई तथा सबने मिलजुल कर नृत्य व गान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर रेणु गोयल, सचिन केडिया, मंजू दोचानिया, मिताली जलान, सीमा अग्रवाल, ममता बंका, पूनम रुंगटा, बिंदु टिबरेवाल सहित अन्य महिला उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मारवाड़ी महिला सेवा समिति की संयोजिका रेणु कंदोई व नीलम वाशनीवाल ने कहा, रेणु कंदोई, मैं मारवाड़ी महिला समिति की संयोजिका। आज ही हम लोगों ने सावन झूला उत्सव और तीज का उत्सव रखा है मारवाड़ी महिला सेवा समिति की तरफ से। ये हमारा नई संस्था का गठन हुआ है और हम लोग अपने मारवाड़ी संस्कृति को प्रचार प्रसार के लिए और उसकी सभ्यता के प्रसार के लिए हम लोगों ने इसका गठन किया है
और हम लोग हमेशा से समाज सेवा के बीच में रह के समाज सेवा के बहुत से काम करते आए हैं समाज के बीच में रह के। विगत कई वर्षों से मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर शहर में कार्यरत है और महिलाएं भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा कार्य करती आ रही हैं, लेकिन अब अलग से ही महिला समिति का एक गठन हो गया है ताकि हम लोग और अधिक अच्छे रूप से समाज के बीच में कुछ अच्छे सार्थक कार्य कर सकें। सावन माह का तो महत्व यही है कि जैसे कि विष्णु भगवान जब अपनी शैया पे चले जाते हैं सोने के लिए, तो चार महीने के लिए वो सारी सृष्टि की जिम्मेदारी वो अलग अलग भगवान के ऊपर आ जाती है, तो सावन की जिम्मेदारी तो शंकर भगवान के ऊपर आ जाती है। तो पूरा महीना ये शंकर भगवान की आराधना का है। तो पूरा हमारा भारत देश, हमें जितने भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू लोग हैं, सब लोग शंकर भगवान की आराधना करते हैं। और साथ में भादों में तो जैसे कृष्ण भगवान का उत्सव होता है और उसके बाद नवरात्र आ जाते हैं, तो दुर्गा जी पूरी सृष्टि की देखभाल करती हैं। तो सावन का यही महत्व है कि शंकर जी की आराधना हम लोग ठीक मतलब पूरी तरह से करते हैं। मैं नीलम वासनीवाल, यहाँ की सूचना प्रभार। ये सावन की मस्ती है कान्हा के संग। सावन, जैसे कि सावन का नाम लेते ही लोगों में उत्साह का संचार हो जाता है, लोग उत्साह से भर जाते हैं और नाचने गाने झूमने मस्ती का टाइम होता है ये। तो आज ये मारवाड़ी महिला सेवा समिति के द्वारा भी इस तरह का एक अनोखा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें महिलाएं हरे भरे परिधानों में सज धज के पूरी तरीके से कान्हा के संग सावन के रंग बना रही हैं, मस्ती में झूम रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं और अपनी भावनाओं का खुलकर इजहार कर रही हैं। जी, सावन जैसे कि कहा जाता है, सावन का मतलब ही हरियाली है। इस समय प्रकृति में भी चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली और उल्लास का माहौल रहता है, तो वही हरियाली और उल्लास जो है वो हमारी सदस्याओं के भी अंदर सबके अंदर जागृत है और वही उसका वो इजहार कर रही हैं अपने परिधानों के और वेशभूषा के माध्यम से।